सो अभी का सीन कुछ ऐसा है, मुझे अभी निकलना है अलवर डिस्ट्रिक्ट बह रोड, वहाँ पे हो रहे हैं एथलेटिक क्लस्टर्स। तो जो पहले लोग हुए थे वो तो वॉलीबॉल क्लस्टर्स थे, और अभी एथलेटिक क्लस्टर्स स्टार्ट होने वाले हैं कल से। तो पैकिंग वगैरह सब कर लिए, पूरा काम बिल्कुल डन है, बस अभी निकलना है क्योंकि 7:30 बजे मैं यहाँ से चलूँगा, और टाइम 7:33 हो चुका है, और 8 बजे मुझे यहाँ पे स्कूल पहुँचना है। तो स्कूल से बस पकड़ेंगे और बस पकड़ के निकल लेंगे। मैं हॉस्टल पहुंच चुका हूँ, अभी सर लोग हॉस्टलर्स का वेट कर रहे हैं कि वो अंदर से तैयार होकर फटाफट ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, फिर यहाँ से पैकिंग वगैरह सब नहीं करके बैग वगैरह छोड़ रखे हैं, फिर यहाँ से निकल जाएंगे मैं रोड के लिए जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी पहुँचे हैं बैरोड, बैरोड से अभी 10 किलोमीटर और दूर है, तो यहाँ से खाना वाना खा के निकलेंगे। अभी खाना वाना आ चुका है, अभी खाना खा के निकलेंगे स्कूल के लिए, रेफरल्स इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पे क्या क्लस्टर्स ऑर्गेनाइज करवा रही है जो स्कूल। तो ये साई स्वागत हुआ है बिल्कुल ऐसा खतरनाक, फिर इसके बाद क्या डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं पीछे की तरफ, और अभी रूम्स अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो लगभग उसके अंदर कुछ टाइम लगा काफ़ी स्कूल्स की वजह से, तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर रूम्स अलॉट होंगे, और फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको कैसा क्या सीन रहता है, और कल से जो मेन इवेंट्स है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आज तो सभी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग वगैरह यही चलने वाला है। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमें रूम्स वगैरह अलॉट कर दिए गए हैं, एक कॉमन हॉल मिला है जहाँ पे पूरी टीम हमारी एक साथ रुकी है, और अभी मच्छर वगैरह काफ़ी है यहाँ पे क्योंकि मैं एक पोल के नीचे खड़ा होकर आपके लिए शूट कर रहा हूँ, और अभी होने वाली है एक सेरेमनी जिसके अंदर से ये बताया जाएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे क्या फॉलो करने हैं, और बस यही टीम स्प्रिट के बारे में, और कल से फाइनली हमारे इवेंट स्टार्ट होंगे जिसके अंदर हम हमारा बेस्ट देने वाले हैं। सो व्लॉगिंग आज मैंने फिर से कंटिन्यू की है, ये नेक्स्ट डे है, और आज क्या है सारे इवेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज के इवेंट्स पीछे हमारी टीम है, ये जो हमारी पूरी टीम है, और अभी इवेंट्स वगैरह स्टार्ट होंगे, पहले मार्च पास्ट होगा और फिर उसके बाद जो इवेंट्स है वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे।
अभी बिल्कुल पहला पहला इवेंट स्टार्ट होगा जिसके अंदर हमारे एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो छापा अभी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। 800 मीटर का पहला इवेंट है, तो पूरी उम्मीद है कि मेडल लेके आएगा और बाद में देखते हैं कैसा क्या रहता है। छापा ऑल रेडी? रेडी। तो हौसला बढ़ाने के लिए भी पूरा सामान रख लिया सभी एथलीट्स का, बिल्कुल ताकत बाहर से भी उनके अंदर ताकत भर देंगे, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के चीयर अप करके पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि अपना वो बेस्ट दे। और अभी बस निकल रहे हैं रूम छोड़ के ग्राउंड के लिए। सो सभी एथलीट्स हमारे स्कूल के अभी ग्राउंड में आ चुके हैं और अभी बस पीछे सभी मौजूद हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट वर्क हो रहे हैं और उसके बाद इवेंट्स बस स्टार्ट होने वाला है। तो काफ़ी एक्साइटेड है सभी, अपना 100% देंगे पूरा। तो ये भी डांस वगैरह जो चल रहा था वो अभी सारा कंप्लीट हो चुका है और अभी इवेंट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। दो इवेंट्स हो चुके हैं जिसके अंदर एक के अंदर फोर्थ पोजीशन लगी है और दूसरे के अंदर फिफ्थ पोजीशन लगी है। आई एम अगेन बैक एट होम। तो रात को क्या है, मैं 2 बजे पहुंचा था घर पे, तो उसकी वजह से रात को काफ़ी अंधेरा था, तो बस मैं ऐसे फील लेके आने की कोशिश कर रहा था कि रात को मुझे कैसा लग रहा था उस टाइम पे। तो क्लस्टर्स हमारे काफ़ी अच्छे रहे, मैंने पार्ट लिया था 3 किलोमीटर रन में, 3 किलोमीटर 7.5 लैप्स। तो उसके अंदर क्या है, अब की बार कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया, मेरी 6th रैंक रही, 21 उसके अंदर टोटल एथलीट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ। तो ये क्या है, काफ़ी सही रहता है अगर आप अपने टीम के साथ कहीं जाते हैं कुछ करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वैसे मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको कभी भी ये चांसेस कभी मिलें, ये चांसेस बस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, वरना अगर आपने उसको मूव ऑन कर दिया तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको मौका मिले इनके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीम गेम्स हैं, इंडिविजुअल गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ आप पार्टिसिपेट कीजिए, तभी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे ज्ञान की बातें बहुत हो गई अभी, तो अभी ये व्लॉग कर देते हैं एंड। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो आपको पता है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड एंड रिमेंबर दैट योर हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। बूम। नीना यार। हाँ तो हर्ष प्रधान मीना, हाँ बताइए आपको पहला क्लस्टर पे आके कैसा लग रहा है? पहले क्लस्टर में मीना की हर्ष प्रधान आप बताइए कैसा है आपका पहला क्लस्टर का अनुभव